सनराइज हो चुका है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन बीच में ब्रिज भी आ रहा है, लेकिन जो ऑरेंज पार्ट है ना वो सनराइज ही है। दोस्तों सुप्रभात, ये देखिए यहाँ पर गेहूं के खेत है, बहुत सारे गेहूं के खेत है यहाँ पे। लगभग जितना भी मैं ट्रैवल किया हूँ ना मध्य प्रदेश में, सब गेहूं दिख जाएगा आपको। और रात में मैं इस लोकेशन पे रुका हुआ था, हनुमान जी का टेंपल है तो दिख गया था। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सनराइज़ हो रहा है, वही देखने के लिए जिधर आके रुका हुआ हूँ। हाईवे सनराइज़ और झाड़ियों के बीच में से सन ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों गाड़ियाँ रुकी हुई है, यहाँ पर एक हैंडपम्प भी है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। और बाजू में एक नदी भी है छोटी सी जो बह रही है अच्छे से। तो यहाँ पर एक गोडाउन है देख सकते हो आप। तो हाईवे से मुझे इससे रात में घूम के आना पड़ा अंदर की तरफ, ऊपर से मैंने देख लिया था टेम्पल का फ्लैग दिख गया था मुझे, तो फिर आ गया मैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको फ्लैग तो दिखेगा ही, सब ऊंचे ऊंचे फ्लैग्स लगाए हुए हैं। तो ये ऐसा है यहाँ पे, यहाँ पर शिव जी है अंदर, जी अंदर श्री हनुमान जी हैं। तो रात में ही मैंने दर्शन ले लिए थे, तो अभी फिर एक बार हम निकलने से पहले दर्शन ले लेते हैं। तो रात में हम यहीं पे सोए थे टेंपल के सामने, रात में कोई भी नहीं था। यहाँ पर एक बंदा था, उसने मेरे को बोला लाइट्स वगैरह ऑन रखोगे टेंपल के, मैंने बोला सिर्फ एक ही लाइट ऑन रख दो बाकी सब बंद कर दो। तो ये सामने वाला लाइट ऑन रख दिया था उन्होंने, हम यहाँ पे सोए थे। तो यहाँ पर हैंडपम्प है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टावर भी है। हाँ तो आप ये टावर ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर आपको स्टे करने को आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हैंडपम्प है, तो चाचा जी मस्त फ्रेश हो रहे हैं। और हाँ, यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ जबलपुर की तरफ। अगर आप अयोध्या के लिए निकले हो और आपको स्टे करना है, तो आप जबलपुर से लगभग एक 40 किलोमीटर आने के बाद ये टेंपल सर्च कीजिएगा। हालांकि जबलपुर एग्जैक्ट 49 किलोमीटर से यहाँ से, फिर भी आप 40 किलोमीटर रहते ही आप देखना शुरू कर दीजिए। कुछ अच्छी व्यवस्था हो गई तो उधर भी हो जाएगी, नहीं तो यहाँ तो है ही, लेकिन ठंड बहुत है यहाँ पर। कुछ ना कुछ आप लेके आइएगा, और मच्छर भी है थोड़े बहुत, लेकिन इतना नहीं। यहाँ पर मैंने श्री राम जी का फ्लैग लगा दिया है, तो पॉसिबल तो नहीं था, फिर भी मैंने ट्राई करके लगा दिया है अभी जैसे तैसे। तो आगे कहीं पर भी नहीं लग पा रहा था वो फ्लैग। तो ऐसे अपनी गाड़ी तैयार है, लगेज तैयार है, सब चीज़ें ले ली है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रभु का लेके नाम जय सिया राम। अब पीछे की तरफ फ्लैग लगाया है तो पैर आगे से ही लेना पड़ेगा, आगे फ्लैग लगाने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कुछ ऐसा माहौल है, यहाँ पर सारी तरफ गेहूं वगैरह है देख सकते हो आप। तो रात में यहाँ पे रुके हुए थे, ये मड़गड़ परेशान कर रहा है अभी, बहुत ठंड है, सूर्योदय भी हो चुका है। तो ये हाईवे है, और यहाँ से जबलपुर लगभग 49 किलोमीटर के आसपास है कुछ। अभी रात में देखा था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, मैं आगे जाके बताऊंगा। तो ये जो ढाबा है, यहाँ से आप अंदर की तरफ आ जाना लोकेशन के लिए। यहाँ से ट्रेन की पटरी भी है, ढाबे का नाम है हिरण ढाबा। जबलपुर 40 किलोमीटर है एग्जैक्ट, 40 किलोमीटर। टोल नाका क्रॉस करते ही आपको ये हिरण ढाबा मिल जाएगा। तो अभी मैं टोल नाका की तरफ जा रहा हूँ। अभी हम नेशनल हाईवे नंबर 30 है और जबलपुर की ओर जा रहे हैं।
देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ है ट्रक्स की, आ रहे जा रहे ऐसे ही टोल के सामने रुका दिए। देखो सेंटर प्लेस है टोल के शायद। तो दोस्तों हमारे वापसी के जर्नी पे जबलपुर लगभग 20 किलोमीटर बचा हुआ है। तो जो हुबली से सर आए हुए हैं चलते हुए और लातूर से ये दोनों सर आए हुए हैं, तो ये निकले हैं अभी, आते समय हमको मिले थे, अभी जाते समय भी वो फिर से मिले हैं। तो वही उनको बता रहे थे कि अभी आगे जाके आप रुक सकते हो वहाँ पर, 15 किलोमीटर आज का पैदल यात्रा करने वाले। तो जय सिया राम, हैप्पी जर्नी। सूर्य देवता भी आ गए, अभी गर्माहट हो रही थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर देखिए गेहूं के खेत है और अपनी डार्लिंग यहाँ पे खड़ी हुई है। अभी हमें जबलपुर जाना है, इस रास्ते से ऐसे घूम के यूटर्न मारना पड़ेगा। हाईवे पे मैं रुका हुआ हूँ, तो अभी चलिए डिस्टेंस कवर करते हैं। जबलपुर अभी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है और यहाँ पर एक गाड़ी गिर गई है, ट्रैवलर से फोर्स की शायद जी, एक्सीडेंट हो गया है। ड्राइव सेफली दोस्तों और राइड सेफली दोनों भी। ब्रह्मनौदा इस गांव के पास पास में हूँ और यहाँ पर अभी पोहे खाएंगे। तो आलू है कुछ बनाने वाले शायद, अभी पोहा एकदम गर्मा गर्म मिल गया, चाय भी पी लिया। तो चाचा जी निकल रहे हैं आगे, ब्रह्मनौदा ये बस स्टॉप है तो यहाँ पर है। तो पोहा मेरे को पहली बार दिख गया है पूरी जर्नी में, वैसे रुका ही नहीं हूँ कहाँ पे। जबलपुर लगभग 10 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, तो चलिए डिस्टेंस कवर करते। यहाँ से आप जबलपुर के लिए जा सकते हैं और मैं निकल रहा हूँ सीधा लखनऊ की तरफ और आगे जाके नागपुर आ जाएगा। बस के लिए रुक ले शायद, एक का बस चुक गया था उसको ड्रॉप करने के लिए, दूसरी वाली लड़की आई थी। मंडला लखनऊ सियोनी ये फॉरेस्ट वाला इलाका है, आप देख सकते हैं। मेरे को टेंशन आ रहा है आगे फ्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिल तो कह रहा है मिलेगा, एक साथ डर भी लग रहा है। हर बार बैग निकाल के रखना पड़ता है।
बस बिल दे दीजिए। बड़ी मुश्किल से जो है ना इंडियन टॉयलेट ढूंढा था, लेकिन उसमें नॉक ही नहीं था। तो क्या, नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे जाएंगे। फिलअप कर लिया गाड़ी, नागपुर तक तो जा ही सकती है आराम से। टोल पे ना एक्चुअली वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, कुछ लॉक्ड होते हैं कुछ अनलॉक्ड होते हैं। अगर आप टोल के कर्मचारी को पूछेंगे ना तो वो लॉक खोल के दे देंगे आपको, ये बात मुझे पता नहीं थी। फ्रेंड्स ये देखिए कितना सुंदर पहाड़ है, यहाँ पर नीचे पानी है, नीचे की तरफ के बीच में मुझे हवा लेके नींद आ रही है। तो मेरी गति थोड़ी धीमी कर दी मैंने। यहाँ पर एक नया मंदिर बनता है, तो यहाँ पर भी ऐसी जगह पर आप घूम सकते हैं आते जाते दोनों समय। पानी की व्यवस्था भी है वहाँ पे, बहता पानी है। करने की कोशिश कर रहे थे, अटैक मतलब एग्रेसिव हो रहे थे, चिढ़ा रहे थे। अभी सिवनी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। चार चार बंदे जा रहे हैं गाड़ी पे। प्रारंभ होता है तो गाड़ी धीमी चलाने का यहाँ पर चेतावनी दी गई है। दोनों भी है और पर्वत भी है, धीमी करके चलते हैं। हवा लग लग के तो नींद आ रहा है। गाड़ी खड़ी करनी नहीं है यहाँ पे। सीसीटीवी वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पे, अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए जिस एक्सीडेंट हो वो सब सीसीटीवी में कैद हो जाएगा, कौन फास्ट आ रहा है कौन फास्ट नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स हाईवे पे देखिए कितने सारे
गाय माता। तो इस तरह के ऐसे होते हैं अपने यहाँ पे, तो देखने को नहीं मिलेगा ये कलर वगैरह। इनकी हाइट बहुत छोटी है, कितनी संख्या में आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे खाना खा लिया है, तो यहाँ पर मिट्टू से भी बहुत सारी बातें हो चुकी है। तो अभी चलिए डिस्टेंस कवर करते हैं। नागपुर यहाँ से लगभग 151 किलोमीटर से, और बीच में टाइगर रिजर्व आएगा, फेंच टाइगर रिजर्व। तो चाचा जी आगे चले गए अभी। कन्याकुमारी यहाँ से 1799 किलोमीटर है। अच्छा खासा ब्रेक हो गया, नींद भी उड़ गई मेरी, अभी चाय पी लिया मैंने। मिट्टू को देख के ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। पहले तो बात ही नहीं किया था उसने, बाद में मैं किसी ने बताया, अभी देखिए वो बात करेगा। वो आके सिटी मारा तो बात किया, मिट्टू बोला, पप्पी भी बोलता है लेकिन पप्पी बोल नहीं पा रहे जल्दी से, इसलिए मैंने मिट्टू बोला तो वो भी मिट्टू बोल दिया, और एक दो शब्द तो बोल देता है वो, ऐसा बोला था उन्होंने। तो जियो के पंप पे हूँ, पेट्रोल फुल कर लिया है। मेरे को लगा गाड़ी पेट्रोल पी रही है, ऐसे ही बहुत कम हो गया था पेट्रोल। तो ऑलरेडी मैंने 150 किलोमीटर पेट्रोल डालने के बाद कवर किया है, तो यहाँ पर पीने की पानी की सुविधा है, तो वही लेने के लिए आ गए बॉटल लेके। पानी कंप्लीटली ठंडा है यहाँ पे। आप किसी भी जियो के इस फिर जाओगे ना पेट्रोल भरवाने के लिए, ठंडा पानी और अच्छा बाथरूम मिल जाएगा। जो है रोड का काम है चल रहा है, तो आपको रास्ता अगली बार जब भी आओगे वो अच्छा ही मिलेगा। बहुत जगहों पे चल रहा है रोड का काम। एक बार ये हाईवे रेडी हो जाएगा ना, तो आप गाड़ी भगा सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन जितना भी स्पीड लिमिट होगा उसके अंदर ही।
कॉशन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ड्राइव विद केयर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स यहीं से जो है पूरा जंगल का इलाका चालू हो जाता है और फेंच टाइगर रिजर्व पार्क भी आगे ही है इसी रूट पे। तो वो इतना लंबा पार्क है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर जंगल सफारी वगैरह होती है, अगर किसी को टाइगर वाइल्ड लाइफ वगैरह का सफारी लेना है तो यहाँ पर जरूर आइएगा। मध्य प्रदेश में जो टाइगर पार्क पड़ता है पेंच का, उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। बहुत सारे गेट से उसके अलग अलग टाइगर सफारी वगैरह करने के लिए, तो आप देखिए कौन से गेट से जाना चाहिए, कौन सा आपको नज़दीक पड़ता है। यहाँ से जो है कम्प्लीटली जंगल का इलाका शुरू हो गया है। इसलिए ये भी बैरिकेड्स लगाए गए, फिर भी बंदर जो है बाहर आते रहते हैं। बहुत लंबा पैच है ये, लगभग 60-70 किलोमीटर का पैच है। बस ये वाला देखते कि है ना बोर हो रहा हूँ अभी, ये ग्रीन कलर और स्पीड ब्रेकर और ये पहाड़, बस इतना ही दिखेगा आपको जितना फ्रेम में दिख रहा है ना, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये स्पीड ब्रेकर है ना एक्टिवा जैसी गाड़ियों के लिए बहुत ही डेंजर है। पहला वाला स्मूथली चला जाएगा, दूसरा वाला थोड़ा हार्ड जाएगा, उसके बाद वाला तो पूछिए मत। अब दूसरी बड़ी वाली गाड़ी आराम से निकल जाएगी, सिर्फ एक्टिवा का अपना जो चक्कर छोटा है ना, इसलिए वो दिक्कत हो जाती है। कम्प्लीटली घाट स्टेशन जैसा ही है, घाट ही है। बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पे हाईवे पे। तो बड़ा वाला था इसलिए चालू किया। सभी टोल्स पे कुछ ना कुछ उपलब्ध है, आप बात करिए टोल के जो लोग रहते हैं तो आपको टॉयलेट यूज़ करने को मिलेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। टाइगर का एरिया है यहाँ पर। देखिए पेंच सफारी के जो है जिप्सी रुके हुए फोर व्हील ड्राइव वाले, जो तपासनी नाका ऊपर ट्रक देखने को मिल जाएगा आपके यहाँ पे। नागपुर यहाँ से 48 किलोमीटर से टोल पे आ चुका है।
शॉर्ट ब्रेक ले लेता हूँ अभी। दोस्तों गाड़ी पंचर हो गई है, यहाँ पर अभी एक रेलवे पटरी आया था तो उसके ऊपर ही पंचर हो गई है। तो चाचा जी को फ़ोन किया है, वो रिवर्स आ रहे हैं, तो देखते पंचर वाला पहले कहाँ पे, उसके बाद कुछ जुगाड़ करेंगे। आएगा तो फ्रेंड्स ये खिला था गाड़ी में, तो अभी पंचर वाले का वेट करेंगे हम। इसी पटरी पे कहीं पे खिल था, और पंचर का दुकान यहीं पे, अच्छा हुआ। ये भाई साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं अभी, वो फिर तो लग गया। इसमें किला अटका हुआ था सर जी, सर का इस रोड पे जो है ना, पवनी गांव है ना सर, कांद्री गांव है, तो यहाँ पर पंचर का शॉप है। सर ने पंचर निकाल दिया अपना। सर का फोन नंबर 8578953555। तो अगर यहाँ पर इस रोड पर अगर आपको दिक्कत हो जाती है, पंचर वगैरह हो जाती है, तो आप सर को फोन कर लेना। ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी तैयार हो गई है अभी, तो सामने का भी प्रेशर चेक कर लेते हैं हम। प्रेशर वगैरह सब चेक कर लिया, तो चलिए फिर से जर्नी शुरू करते हैं। आज हम 1.5 घंटे की देरी से चल रहे हैं अभी। चाचा जी को मैंने इस चौक पे बैठने के लिए बोल दिया है, तो इधर ही है वो। तो अभी हम फिर से अपनी जर्नी शुरू करेंगे, बैग्स वगैरह लगा लेंगे और निकलेंगे। हो लगेज लोड कर लिया है, अभी निकलते हैं हम। इस जर्नी का पहला पंचर भी हो गया है, याद कर सकते हैं, ट्यूबलेस भी नहीं है टायर, नहीं लग रहा था कितना वक्त आएगा, क्या करना पड़ेगा। नागपुर अगर यू टर्न मारूंगा तो 25 किलोमीटर जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ वर्धा की तरफ 104 किलोमीटर, तो यहाँ से यू टर्न लूंगा, ब्रिज के ऊपर चढ़ जाऊंगा हैदराबाद रोड। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सबको, मैंने इसको पूछा भी था, इसने बोला था मेरे को ऊपर से जाने के लिए, फिर भी डाउट आया, बोल के आगे जाके पूछ के आया मैं। गलत रास्ते पे जाने से अच्छा 4 बार पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिर से हम हाईवे पे आ गए अपने वर्धा वाले, तो पहले वर्धा आएगा, फिर यवतमाल, फिर नांदेड़, देखते हैं आज क्या क्या कवर हो सकता है। अभी वर्धा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वेलकम्स यू, नेशनल हाईवे नंबर 44 है ये, ठीक कनखट बाईपास टोल प्लाजा। तो यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह रुकी हुई है,
शायद अगर कोई दुर्घटना होती है तो समझ सकते हो आप। अभी हम वर्धा की तरफ जा रहे हैं, वर्धा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, नॉन स्टॉप निकल जाएंगे अभी वर्धा तक। नसीब अपना अपना ऐसे ट्रक पर लिखा हुआ है और सुनाना सफर। हम वर्धा के लिए मुड़ने वाले हैं, नेशनल हाईवे नंबर 44 है, आगे 1-2 किलोमीटर पे अपने को टर्न आ जाएगा, तो वहाँ से हमको मुड़ना है और ये हाईवे को बाय बाय बोलेंगे और फिर कभी नेशनल हाईवे नंबर 44 पे जर्नी ज़रूर करेंगे, K2K, कश्मीर टू कन्याकुमारी। बाइक ये होगी या कोई और नहीं पता, देखते हैं। अगर नई बाइक ले ली हमने तो ज़रूर करेंगे, कश्मीर टू कन्याकुमारी तो बनता ही है। पूरी जर्नी में आपको ट्रेन ना दिखा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। देखिए ट्रेन जा रही है, जरा फ्यूल अप कर लेते हैं गाड़ी को और अब तक गाड़ी की रनिंग है 60,593। जियो का पंप मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी की सुविधा, रेस्टोरेंट ये सब अवेलेबल होता है मैक्स टू मैक्स। चाचा है मेरे, थैंक यू सर। ये तो सर जय श्री राम। नहीं दोस्त बन गए अपने यहाँ पे, एक रास्ता सीधा चंद्रपुर की तरफ जाता है और दूसरा वर्धा के लिए। ये देखिए एक कंप्लीट सर्कल मार के हम आ गए वर्धा के रोड पे। ये नीचे से जो है सीधा हैदराबाद की तरफ चला जाएगा रास्ता। तो अभी हम नेशनल हाईवे नंबर 44 को छोड़ दिए हैं यहाँ से सीधा और अभी चल रहे हैं वर्धा की तरफ। यहाँ से वर्धा लगभग है 50 किलोमीटर, बाईपास लेके हम यवतमाल की तरफ चलेंगे। और टोल आ गया, सेल डो 3 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पर
भी एक हाईवे नेस्ट है, के 6 बज चुके हैं लगभग, सनसेट होने ही वाला है। और अभी मैं हूँ वर्धा यवतमाल नांदेड़ इस रूट पे। तो अगर 8 बजने के बाद आप इस रूट पे ट्रैवल करते हो तो भी बहुत दिक्कत होने के चांसेस हो सकते हैं, तो रात को इस रूट पे ट्रैवल मत कीजिएगा। ऐसा किसी ने मुझसे कहा था, वही मैंने बताया है। और ठीक है, मैं तो हूँ इसी रूट पे अभी के लिए, तो मैं 8:30 बजे तक ट्रैवल करूँगा, किसी गाँव में रुक जाऊँगा। अगर गाँव में रुकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पे वगैरह अटक जाओगे तो कैसा व्यू है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा। सनसेट इस बार मैंने हर तरीके से देख लिया, पहाड़ों में से देख लिया, नदी में से देख लिया, हाईवेज पर से देख लिया, ब्रिजेस पर से देख लिया, बहुत जगह से देखा है। और समंदर का तो कुछ ही मत, जब भी कोस्टल रूट में निकलता हूँ तो कुछ न कुछ मिल ही जाता है सनसेट। सीआरटी का टीवी है, बहुत वजन है, वो दो लड़कियाँ लेके जा रही हैं। तो लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव करेंगे दोनों भी। अभी ऑलमोस्ट वर्धा सिटी ख़त्म हो गई है और नीचे जो है रेलवे का ब्रिज है और ऊपर से रोड है। और अभी हम यवतमाल की तरफ जा रहे हैं। यवतमाल को पहुंच चुके हैं, अभी भी रहने की जगह नहीं मिली है कहीं पे भी, बहुत ढूंढ रहा हूँ इस रूट पे। खान पान की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं है, जो भी है वो महंगे होटल्स वगैरह हैं। यहाँ पर एक फंक्शन चल रहा है, वहाँ पर सोशल वर्कर कैमरा लेके घुस जाओ लेकिन अच्छा नहीं है वो। वैसे अपनी हालत भी बहुत ख़राब है, अभी इतना धूल मिट्टी से ना पूरे कपड़े ख़राब हो गए। डीमार्ट दिख गया था मेरे को, अगर डीमार्ट में चला जाता तो बहुत कुछ जुगाड़ हो जाता, लेकिन कपड़े बहुत गंदे, कहाँ पे चेंज करूँ रोड पे, सोच के छोड़ दिया।